एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों दो स्कूल क्लर्कों को गिरफ्तार किया। दो क्लर्क के विरुद्ध कार्रवाई से शहर के अनुदानित स्कूलों के मैनेजमेंट में हड़कंप सा मचा हुआ है। शहर में सरकारी अनुदान पर चलने वाले डोनेशन लेकर प्रवेश देने वाले स्कूल प्रशासन में भय का माहौल है। शहर के एक प्रसिद्ध बालिका उर्दू स्कूल के दो क्लर्कों को नवी मुंबई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने स्कूल में प्रवेश के बदले रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला क्लर्क भी शामिल है। शहर के उर्दू स्कूल के खिलाफ शिकायत के बाद यह कोई पहली कार्रवाई है जिसके बाद से सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों का प्रबंधन इस कार्रवाई में खासा डरा हुआ है। एनसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ शांतिनगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। स्कूल प्रबंधन समिति से भी पूछताछ की आशंका व्यक्त की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति ने 28 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल में प्रवेश देने के बदले 9,000 रुपए रिश्वत के रूप में मांगे जा रहे हैं। पीड़ित की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो नवी मुंबई की टीम ने आयशा सिद्दीका उर्दू प्राइमरी स्कूल के चारों ओर जाल बिछाकर शिकायतकर्ता की भतीजी प्रवेश फीस के अतिरिक्त 9,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की कार्रवाई से शहर के सरकार से अनुदान प्राप्त स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शहर के उर्दू स्कूल में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ये पहली कार्रवाई है। खबर सार्वजनिक होते ही स्कूल परिसर के बाहर खड़े अभिभावकों ने प्रवेश के बदले 9,000 रुपए देने की बात को स्वीकार किया। भिवंडी में उच्च शुल्क वाले स्कूलों के अलावा सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल भी डोनेशन के नाम पर रिश्वत स्वीकार करते हैं, जिसका खुलासा इस कार्रवाई से हो रहा है। साफिया गर्ल्स स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी इस गंभीर मामले पर कोई वक्तव्य सामने नहीं आया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।